गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने आपको पिछले लेक्चर में आपका जो HEW दिया था, पहले आज हम उसे रिवाइज करेंगे। फर्स्ट हमने नंबर नेम्स दिए थे, 3 डिजिट के नंबर नेम्स राइट करने थे आपको। फर्स्ट हमारे पास ये डिजिट है, 1s, 10s, 100, 1000, 10000। तो इसको हम क्या राइट करेंगे, 60, 7000, 893। तो स्टूडेंट्स, हमने कल होमवर्क दिया था। नेक्स्ट हमारी डिजिट थी 32,789। देन थर्ड डिजिट हमारी थी 42,706। नाउ टुडे आवर चैप्टर इज स्टार्ट। फर्स्ट हमारा आता है एक्सरसाइज में स्किल इवैल्यूएट। आज हम स्किल इवैल्यूएट को सोल्व करेंगे। फर्स्ट उसने क्वेश्चन दिया है, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। स्टूडेंट्स, हमने पिछले पार्ट फर्स्ट में भी बताया था स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर। हम नंबर को राइट साइड से राइट करेंगे। फर्स्ट ऑल ऑफ हम स्मॉलेस्ट नंबर राइट करना स्टार्ट करेंगे। क्या होता है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हो गया हमारा 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर 0 से स्टार्ट होता है, हमने ये बताया था आपको। तो हमारा जहाँ से 1000 पीरियड स्टार्ट होता है, वहाँ हम क्या लगा देते हैं, कोमा। 1, 2, 3। 100 प्लेस में कितने, 100 के पीरियड्स में कितने प्लेस होते हैं, 3, यानी कि 10,000। अब हमें नेक्स्ट लिखना है ग्रेटेस्ट नंबर। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3 क्यों हो गया हमारा 99,999। नेक्स्ट हमारा आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ऑल ऑफ उसने दिया है 100। 100 में कितने टेंस होते हैं, 100 में हाउ मैनी टेंस। स्टूडेंट्स, ये भी हमने बताया था, 100 में कितने टेंस होते हैं, 1000 में कितने टेंस होते हैं, 100 में कितने टेंस होते हैं, 10। और 1 टेंस में कितने टेंस होते हैं, 10 वंस। 1000 में कितने टेंस होते हैं, 100। एंड 1 10,000 में कितने 1000 होते हैं, 10,000, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है रीड द न्यूमेरियल एंड राइट देयर नंबर नेम्स। आगे हमें इन सभी के नंबर नेम्स राइट करने हैं जो हमने होमवर्क में आपको दिया था। सिमिलरली इज दैट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है 42,256। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसका नंबर नेम राइट करेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, 42,256। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें यही करना है, 60,000। अब देखिए इसमें 60,000, क्योंकि हमारा 1000 के प्लेस पे क्या है, 0, जबकि 10,000 के प्लेस पे क्या है, 60,753। नेक्स्ट हमारा है, अब देखिए इसमें 00 है, 100 प्लेस पे भी कुछ नहीं है और 1000 प्लेस पे भी कुछ नहीं है, जबकि 10,000 प्लेस पे है। इसको हम लिखेंगे 80,000। इसको हम क्या लिखेंगे, 80,085। नेक्स्ट हमारे डिजिट है 65,000।
65,300. 369. नेक्स्ट हमारी डिजिट देखिए, वंस प्लेस पे है, लेकिन टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड तीनों प्लेसेस जीरो. स्टूडेंट्स, हम जीरो को राइट नहीं करते हैं, हम इसमें लिखेंगे 90,000. 90,000. जीरो को राइट नहीं करेंगे, हंड्रेड प्लेस पे कुछ नहीं है, तो अब इसको हम क्या रीड करेंगे, 90,002. अब आगे हम, अब हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की नंबर नेम्स लिखे थे, अब हम नंबर नेम से न्यूमेरियल्स लिखेंगे. फर्स्ट हमारा न्यूमेरियल्स है, इसको हम क्वेश्चन बना देते हैं, राइट द न्यूमेरियल्स फोर. राइट द न्यूमेरियल्स फोर. ठीक है, अब इसका ए पार्ट हमारे पास आता है 87,000. 87,900. 75. अब हमें स्टूडेंट्स इसको राइट करना है. अब हमें क्वेश्चन में जो जो बोला जाता है हमें वैसे वैसे राइट करना है. 87,000, तो हम क्या राइट करेंगे, 87,000 हो गया. अब उसने बोला है 900. 975. अगर हमारा बीच में कोई भी नंबर मिसिंग है, फॉर एग्जांपल 900 के बाद बोल देते हैं 905, तो हम टेंस के प्लेस को ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, टेंस के प्लेस पे क्या राइट करेंगे, जीरो. बी पार्ट्स, 68,000. 68,000. 808. अब देखिए इस क्वेश्चन में 68,000 हो गया, 800 हो गया, 808. अब अगर हम हाल ही 8 लिखते हैं तो हमारे पास 4 डिजिट है, जबकि इसने 68,000 का है, हमारे पास कितनी डिजिट होनी चाहिए, 5. तो 808. दिस इज राइट. मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये राइट कर देते हैं. दिस मेथड इज रॉन्ग, इज कंप्लीटली राइट. नेक्स्ट हमारा आता है सी पार्ट, 74,000. 60. अब हमें इसको लिखना है 74,000, तो हम पहले लिखेंगे 74,000 हो गया. अब वो कह रहा है 60, इट मीन्स टेंस एंड वंस, नोट 100. 100 प्लेस पे 0, 60. डी पार्ट, डी पार्ट हमारे पास आता है 40,000. 40,004. अब देखिए 40,004 ओनली दो टू डिजिट है, बाकी हमारे पास क्या है, सारी जीरो. 40,004 ओनली वंस प्लेस है, नो टेंस, नो हंड्रेड, तो ओनली 4. ई पार्ट 90,000. 90,000. स्टूडेंट्स हमें थ्री प्लेस के बाद कॉमा क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहां से हमारा थाउजेंड का
पीरियड स्टार्ट हो जाता है, यहाँ तक हमारा वंस पीरियड रहता है। नेक्स्ट योर होमवर्क स्टूडेंट्स, ड्रॉ द पिक्चर। आपको HAW में ड्रॉ द पिक्चर ऑफ एन एबकस एंड शो द फॉलोइंग नंबर। आपको जितने भी मैं नंबर दे रही हूँ वो सभी नंबर एबकस पे शो करना है। वो मैंने कल आपको बताया था एबकस पे नंबर कैसे शो करते हैं। थ्री क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स आपके होमवर्क में, आपको इन तीनों को अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू।